हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय टुडेज टॉपिक इज क्लाइमेट एंड इट इज सेकेंड पार्ट इन व्हिच वी कवर अबाउट द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, यानी मानसून का आगमन और वापसी। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर अफेक्टिंग बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन encountered by it on its way over the warm tropical seas। क्या है कि जो व्यापारिक मानसून अनलाइक द ट्रेड्स, ये ट्रेड की तरह नहीं होती हैं, ये व्यापारिक जो पौने हैं उनके विपरीत होती हैं। आर नॉट स्टडी, ये नियमित नहीं होती हैं मानसून, बट आर परसूटिंग इन नेचर, लेकिन ये इनका जो प्रकृति है वो पल्सूटिंग यानी स्पंदमान होता है काफ़ी, एंड अफेक्टेड बाय डिफरेंट, और ये किसे बहुत सारी जो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक अफेक्टेड बाय डिफरेंट अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनके थ्रू ये अफेक्टेड होती है। इनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सी, यानी कि उस कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर जो प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 days फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। जो मानसून का समय है वो जून के अर्ली से आरंभ से लेकर मिड सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, इसके अराइवल के टाइम पे, इसके आगमन के समय पर, अराउंड इसके आगमन के समय पे क्या होता है, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। जो उसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में वृद्धि हो जाती है अचानक से, तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहता है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मानसून, और इसे क्या कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट या फटना कहते हैं। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून सावर्स, और इसको मानसून पूर्व बौछारों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में जो मानसून है वो भारतीय प्रायद्वीपी के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। किससे? दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। सबसिक्वेंटली इसके बाद इट प्रोसीड्स इनटू टू, उसके बाद ये दो उसमें प्रोसीड होता है, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। द अरबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 days लैटर ऑन अप्रॉक्सीमेटली द 10th June। लगभग 10 June के बाद जो अरबियन सी वाली ब्रांच है वो मुंबई पहुंचती है। दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, और ये एक तीव्र प्रगति है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांसेज रैपिडली एंड अराइव इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है की भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है, तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंचती है। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। उसके बाद क्या होता है,
ऊंचे पर्वतों के कारण जो मानसून पौने हैं वो पश्चिम के गंगा मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव ओवर सौराष्ट्र कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। मध्य जून तक अरब सागर शाखा जो सौराष्ट्र कच्छ और देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भाग में। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। जो दिल्ली है वो सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है वहाँ पे। देन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। बाय मिड जुलाई द मानसून रीच हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और मध्य जुलाई तक जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। पिट्रोल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। जो मानसून की वापसी है वो अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या है? जो एक क्रमिक प्रक्रिया है। द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। बाय मिड अक्टूबर में मध्य अक्टूबर में इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और क्या होता है? बाय अर्ली दिसंबर, दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। दिस द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून सावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। जो आइलैंड्स यानी द्वीपों पर मानसून की जो सबसे पहली वर्षा होती है एंड ये क्या है, क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। कब तक? मई के प्रथम सप्ताह तक। द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेदर कंडीशन। और इस समय देश का शेष भाग है वो शीत ऋतु के प्रभाव में होता है, वेदर कंडीशन में विंटर मानसून होती है ना, इन्फ्लुएंस बाय द विंटर मानसून। नेक्स्ट है द सीजन। हम बात करते हैं ऋतुओं के बारे में। व्हाट इज सीजन्स यानी ऋतुएं क्या हैं? द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीजनल पैटर्न। जो मानसूनी जलवायु की विशेषता है वो एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, यानी जो मानसून टाइप है, मानसून प्रकार है क्लाइमेट का, जलवायु का, वो किससे कैरेक्टराइज होता है, एक विभिन्न प्रकार के डिस्टिंक्ट उनका सीजनल पैटर्न है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। जो मौसम है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में परिवर्तित होता रहता है। दी चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसिएबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री।
और ये जो चेंजेज हैं, परिवर्तन है, वो विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ते हैं, पर यानी नोटिसिएबल हैं। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। जो कोस्टल एरिया है, तटीय एरिया है, वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो दो, यद्यपि देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, यद्यपि वहाँ पे रेनफॉल पैटर्न में चेंज होता है। हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। आपकी जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे कितने तरह के सीजन हैं। फोर मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इंडिया में मेनली चार सीजन आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी पहचाने गए हैं। और ये कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। ये सीजन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून का आगमन और वापसी का काल। ठीक है, तो ये चार सीजन हैं जो इंडिया में आइडेंटिफाइड हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, हम एक एक की बात करते हैं। कोल्ड वेदर सीजन क्या है, यानी कि शीत ऋतु क्या है? द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया। जो कोल्ड यानी शीत ऋतु सीजन है वो नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, मध्य नवंबर से स्टार्ट होता है एंड स्टेज टिल फरवरी और फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, इंडिया के जो नदन पार्ट है, यहाँ पे दिसंबर और जनवरी जो है ये सबसे ज़्यादा ठंडे मंथ हैं, ठंडे मंथ हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी छोर पे जो चेन्नई है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 to 25 degrees Celsius, वो 24 to 25 degrees Celsius है। वाइल जबकि इन द नदन प्लेन, नदन प्लेन में जो ये इट रेंजेस बिटवीन 10 degrees to 15 degrees Celsius, जबकि नदन प्लेन पे इनका जो टेम्परेचर है वो 10 to 15 degrees Celsius ही होता है। डेज आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। यहाँ पे जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं और रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। यहाँ पे फ्रॉस्ट जो है वो काफ़ी कॉमन होता है, यानी कि फ्रॉस्ट क्या है, यहाँ पे जो फ्रॉस्ट है यानी कि बर्फपात होता है ना, ओला गिरना, वो काफ़ी कॉमन होता है, सामान्य है। और जो हायर स्लोप है हिमालय का, वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है, हिमपात जिसको कहते हैं, हिमालय के जो ऊपरी ढलान है वहाँ पे स्नोफॉल होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में, ये शीत ऋतु की बात बता रहे हैं, ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस सीजन में जो उत्तर से, उत्तर पूर्व से चलने वाली व्यापारिक पौने हैं वो प्रिवेल्स ओवर द कंट्री, वो पूरी व्यापारिक पौने हैं वो देश के उत्तर पूर्वी, जो व्यापार इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी पौन व्यापारिक पौने चलती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, वो कहाँ बहती हैं, लैंड से सी की तरफ बहती हैं। एंड हेंस इस प्रकार फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, इसीलिए क्या होता है, हमारा ज़्यादा देश का ज़्यादातर भाग जो है वो यहाँ पे इट इज़ द ड्राई सीजन, यहाँ पे शुष्क मौसम होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स। इन पौनों से कुछ वर्षा तमिलनाडु के तटीय भागों पर होती है। हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और यहाँ पे ये समुद्र से लैंड की तरफ चलती हैं। इन द नदन पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। यहाँ पे क्या होता है, देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। फाइल लाइट विंड मूविंग टुवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, जिसमें हल्की पौने इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, चलती हैं। इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। उच्चावस से प्रभावित होकर ये पौने पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं।
द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई, यहाँ पे जो सामान्यतः मौसम है इस मौसम में आसमान काफ़ी साफ होता है, क्लियर स्काई होती है, लो टेम्परेचर यानी जो तापमान है वो काफ़ी कम होता है, एंड लो ह्यूमिडिटी और उस आर्द्रता भी काफ़ी कम होती है, एंड फीबल वेरिएबल विंड और जो पौने हैं उनमें शिथिलता तथा काफ़ी परिवर्तित होती हैं। अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नदर्न प्लेन इज द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। क्या है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से जो चक्रवाती विक्षोभ है उनका अंतर्वाह विशेष लक्षण है। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो। यह कम दाब वाली जो प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन, और इसकी वजह से जो प्लेन है मैदान है वहाँ पे विंटर सीजन में काफ़ी अधिक वर्षा होती है और माउंटेन्स पे क्या होता है बर्फबारी होती है, हिमपात होता है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, जो यद्यपि जो टोटल विंटर का जो रेनफॉल है उसको लोकली क्या कहा जाता है यहाँ पे महावत कहा जाता है, नोन एज महावत इज स्मॉल, दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रॉबी क्रॉप, और जिसकी इसको यहाँ पे महावत कहा जाता है और इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है लेकिन ये रबी फसलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड पोल सिस्टम, जो प्रायद्वीपीय भाग होते हैं वो उसमें जो शीत ऋतु है वो काफ़ी स्पष्ट नहीं होती है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसिएबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, चूँकि यहाँ पे जो सी का समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ का तापमान जो है वो उसमें काफ़ी परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तन है वो काफ़ी ना के बराबर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज द हॉट वेदर सीजन। हमने चार सीजन देखा इंडिया में, तो पहला हमने देख लिया, दूसरा हम देखेंगे हॉट वेदर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु। ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, सूर्य के उत्तर की ओर जो आभासी गति है उसके कारण जो भूमंडलीय यानी ग्लोबल हीट बेल्ट है वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज हॉट वेदर सीजन, इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया, जिसके कारण मार्च से मई तक भारत में क्या होता है ग्रीष्म ऋतु होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट, जो हीट बेल्ट की शिफ्टिंग है उसके प्रभाव की वजह से कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर फ्रॉम रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च मे एट डिफरेंट लैटिट्यूड, जो हमारा ताप पट्टी है उसके स्थानांतरण के प्रभाव का पता अलग अलग अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान जो रिकॉर्ड किया गया तापमान है उसको देखकर लगाया जा सकता है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस, मार्च में जो यहाँ का टेम्परेचर है वो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस होता है, रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, जो कि हम डेक्कन दक्षिण के पठार पे देख सकते हैं। इन अप्रैल और अप्रैल में टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड, और अप्रैल में जो मध्य प्रदेश और गुजरात का टेम्परेचर है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इन मई और मई में टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और मई में हमारा जो उत्तर पश्चिम भाग है हमारे देश का वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लगभग
45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन पेनिनसुलर इंडिया और प्रायद्वीपीय भारत में टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण वहाँ का तापमान काफ़ी कम होता है। ठीक है, द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ग्रीष्म काल में जो तापमान में वृद्धि होती है, राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर और वायु दाब में कमी आती है। टुवर्ड द एंड ऑफ मई, मई के अंत में एन इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। क्या होता है कि मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पहाड़ पठार तक एक क्या कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस थ्रो। पवन का जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, वो इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन इज द लू। लू क्या है? ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, स्ट्राइकिंग फीचर है, प्रभावी लक्षण है ऑफ द हॉट वेदर सीजन यानी ग्रीष्म काल का। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसमें क्या होता है, ये धूल भरी गर्म शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। समटाइम्स कभी कभी दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कभी कभी वो देर शाम तक जारी रहती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू फैटल। क्या होता है, इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन नदर्न इंडिया। उत्तरी भारत में मई के महीने में जो धूल भरी तूफान है वो काफ़ी सामान्य मानी जाती है, यानी उत्तरी भारत में धूल भरी आंधियां सामान्यतः आती रहती हैं। दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेली रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। इस हवा का उत्तरी भारत में और ये आधियाँ जो है, ये जो स्टॉर्म है वो अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं और अपने साथ ठंडे हवा और हल्की वर्षा भी लाती हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन एकम्पनीड बाय हेल। क्या होता है कि इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरजने वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है और इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। ठीक है, इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है यानी हेल भी पड़ता है। इन वेस्ट बंगाल में दो दीज स्टॉर्म आर नोन एज द काल वैशाखी। वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिमी बंगाल में इसे क्या काल वैशाखी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कब होती है, बैसाख के महीने में होती है, इसलिए इसको काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून सावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। क्या होता है, प्री मानसून शावर, दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो। और ये मैंगो जो होते हैं आम, उनको जल्दी पकने में मदद करते हैं यानी जल्दी पका देते हैं। एंड आर ऑफन रिफर टू एज मैंगो शावर और इसीलिए इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड माय चैनल रघुकुल क्लासेस। थैंक यू।